नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य जगदम्बिका पाल जी। 21 अक्टूबर 1950 को जन्मे जगदम्बिका पाल जी यूपी के डुमरियागंज से पहली बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। यूपी की राजनीतिक जमीन पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले जगदम्बिका पाल जी ने वकालत की पढ़ाई की है और इनकी गिनती लोकसभा के अति सक्रिय सांसदों में होती है। आज हम इनसे तमाम सवालों पर बात करेंगे। पाल साहब, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई? ये राजनीतिक सफर की बात जब आप करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं राजनीति में बाद में आया। उससे पहले मेरा एक दूसरा व्यक्तित्व था और हमारा, मैं अगर अपने को कहूँ कि बहुयामी व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं मैं जुड़ा रहा, क्योंकि बुनियादी तौर से जब मैं पढ़ता था तो उस समय मैं बहुत अच्छा हॉकी और फुटबॉल खेलता था और मैंने यूनिवर्सिटी की टीम में खेली, स्टेट पे इंटरवर्सिटी में मैं गया, तो मैं सोचता था कि शायद मेरी डेस्टिनी यही होगी और मैं एक नेशनल प्लेयर बनूँगा। लेकिन फिर उसके बाद मैं NCC में जुड़ गया कॉलेज में, और फिर NCC में मैं लगातार जब करता रहा तो मैंने 16-17 कैंप्स किए। हमने रिपब्लिक डे कैंप किया दिल्ली में, आर्मी अटैचमेंट कैंप किया, और उस आर्मी अटैचमेंट कैंप में मतलब ये लगता था मैं आर्मी के करीब आ गया, तो मैंने सोचा कि शायद मैं अब आर्मी में बनूंगा, आर्मी अफसर बनूंगा। और मैं एक आध बार मैं SSB में गया भी सिलेक्शंस के लिए। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की, मैंने पॉलिटेक्निक की, इंजीनियरिंग की, तो मुझे लगता था मैं इंजीनियर बन जाऊँगा। फिर मैं आ गया यूनिवर्सिटी में तो मुझे लगता था मैं हाई कोर्ट का लायर हूँगा। उसके पहले मुझे लगा कि अब मैं जब MA कर रहा था मैंने एक सब्जेक्ट किया, फिर दूसरे सब्जेक्ट में कर रहा था, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मैंने दाखिला ले लिया, तो मुझे लगा कि मैं शायद IAS और IPS की तैयारी करूँगा, सिविल सर्विसेज में जाऊँगा। लेकिन फिर उसी दौरान केशव देव मालवी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे वो हमारे ज़िले से सांसद हुआ करते थे डुमरियागंज से, जहाँ से आज मैं सांसद हूँ, मैं उनके करीब आया। और उस समय वो युवाओं को थोड़ा प्रेरित करते थे, बहुना जी 74 की बात है, वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उन दोनों के संपर्क में मैं आया, तो बस वहीं से ज़िंदगी की एक धारा बदल गई। और फिर ये लगा कि अल्टीमेट मैं यूथ कांग्रेस का जिले का मैं अध्यक्ष बन गया। उस समय प्रिय रंजन दास मुंशी जी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और एक अमेठी में कैंप लगा, फिर उसमें मैं गया, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के मैंने देखा नहीं, फिर लगातार मैं मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आपको बेहद सक्रिय नेता के तौर पर देखा गया है। कई बार आप विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी आपने शपथ ली। फिर अचानक संसदीय राजनीति की तरफ रुख करने की वजह क्या रही? देखिए, जिस दिन से मैं राजनीति में आया, मुझे लगता है एक तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो व्यक्ति में एक निश्चित तौर से सक्रियता लाती है। और मुझे राजनीति में मैं जब आया तो यूथ कांग्रेस में, फिर 77 से 80 में जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में चली गई तो एक बड़ा संघर्ष का दौर शुरू हुआ। और उस समय इंदिरा जी के खिलाफ एक आंदोलन चला, इंदिरा जी को चिकमंगलूर से जीतने के बावजूद उनको सदन से जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया, उन्हें जेल में डाल दिया। तो उस समय फिर एक संजय गांधी के खिलाफ भी तमाम मुकदमे लगाए गए, तो हम लोग लगातार फिर इतना सक्रिय हो गए कि लखनऊ में सरकार के विक्टिमाइजेशन के खिलाफ, दिल्ली में शाह कमीशन चल रहा था उसके विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हमने गिरफ्तारियां देनी शुरू की, देहरादून में हम लोगों ने जो मुकदमे चलाए जा रहे थे मारुति रोड रोलर केस का, उसके खिलाफ दी। तो लगातार फिर 77 से 80 जो एक आंदोलन की, यूथ कांग्रेस की आंदोलन की सक्रियता आई, उससे ये लगता था कि 24 घंटे हम लोग उस राजनीति में आए और फिर आम जनता के और अपने संगठन के बहुत करीब होते चले गए। फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि विधानसभा का चुनाव 77 में लड़ना, 77 में कांग्रेस पार्टी की स्थिति नहीं ठीक थी, हम लोग भी लड़े। फिर 80 में मैं चुनाव नहीं लड़ा, फिर मुझे 82 में इंदिरा जी ने MLC बना दिया, फिर मैं 82 से 88 में MLC था, फिर 88 से मैं 94 तक MLC था, लेकिन 93 में ही चुनाव हुआ, उस समय भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं 93 में MLA का चुनाव लड़ गया, 93 में मैं चुनाव लड़ा, MLA का जीत गया, जब बहुत थोड़े लोग 42 लोग जीते। फिर 96 में आप जानते हैं जिस तरीके की घटना हुई 6 दिसंबर 1992 की, उस समय ऐसा जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया गया, उस समय हम लोग 21-22 लोग जीते, उस समय भी जीत गया। फिर 2002 में जीत गए, फिर उसके बाद 2009 में फिर मैं लोकसभा में आ गया। तो इस तरीके से, क्योंकि एक इच्छा थी कि हम विधान परिषद और विधानसभा
दोनों हाउसेज में हम 26-27 साल हम रह लिए थे, तो ये लगता था कि हमको राष्ट्रीय राजनीति के फलक पे जाना चाहिए और पार्लियामेंट में, तो फिर वो हमारी इच्छा हुई कि हमको पार्लियामेंट लड़ना है और 2009 में हम कांग्रेस पार्टी से लड़े और चुनाव जीते। आपका गृह राज्य उत्तर प्रदेश अगले कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव में जाने वाला है। आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन से काफ़ी गहरे से नज़दीकी से जुड़े हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन पिछले 22 साल से कांग्रेस का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बेहद निराशाजनक रहा है। 89 के बाद से ही पार्टी का ग्राफ लगातार गिरावट की तरफ रहा है। क्या वजह मानते हैं इसका? मैं कारण स्पष्ट तौर से मानता हूँ मनोज जी कि उत्तर प्रदेश जो एक देश का सबसे मुख्य प्रदेश था, राजनीति का हृदय प्रदेश था, जो राज्य इस देश को प्रधानमंत्री दिया करता था और उस देश में ही वो पूरे देश की पॉलिटिक्स को ट्रेंड सेट करता था, उस प्रदेश में कुछ रीजनल पार्टियाँ आईं जिन्होंने जातीयता का और कुछ पार्टीज ने सांप्रदायिकता का एक जुनून पैदा किया। तो जो प्रदेश पहले पार्टियों पे, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे या कैंडिडेट के व्यक्तित्व पे वोट दिया करती थी, वो कहीं ना कहीं 1988-89 से फिर ऐसा जातीयता चला कि उन जातीयता के आधार पे आपने देखा कि रीजनल पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ और बीजेपी ने जिस तरह से अयोध्या के एक मंदिर का मुद्दा उठाया, लोगों ने उस हिंदुत्व के और ये कि अयोध्या में एक बार राम मंदिर बनना चाहिए उस सवाल पे भाजपा को प्रदेश से केंद्र तक की सत्ता में बिठाया, लेकिन लोगों ने देखा फिर कि उसको भाजपा एनडीए ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, आज उनसे भी मोह भंग हुआ। और अब सपा बसपा भी जिस तरीके से पहले बात करती थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो लोगों को लगा कि शायद हमारी अगर ये सरकारें आएंगी तो हमारी जातियों का बहुत प्रतिनिधित्व होगा या लोगों को बहुत फ़ायदा होगा दलितों के नाम पे, लेकिन लोगों को लगा कि दौलतमंदों को ज़्यादा फायदा हो रहा है, जिस तरह का अपराध बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा। लेकिन जातीयता में बंटने का कारण क्या रहा? आखिर पहले जो वोटर, आप दलित वोटरों की बात कर लीजिए, आज बसपा के साथ है, पहले कांग्रेस के साथ होते थे, आखिर क्यों कांग्रेस से दूर चले गए? कहीं ना कहीं एक तो हम थोड़ा कांग्रेस के लोग भी हम थोड़ा दूर हुए जनता से, और दूसरी तरफ जिस तरह से जातीय जो पार्टियां आईं और उन्होंने जातीयता का एक उन्माद पैदा किया, तो उससे एक ऐसा जन उभार आया कि लगता था लोगों को कि ये जातियों को कि अब हमें अपने कौम का लीडर मिल रहा है, हमारे अपने इंटरेस्ट को वाच करने वाला मिल रहा है। लेकिन आपने देखा 1989 से आज 2011 में, पिछले 22 सालों की जो बात आप कर रहे हैं, इस 22 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आज तक एक आईटी पार्क नहीं बना। सारा साउथ में है, जिस तरह से बेंगलोर, हैदराबाद, कि आज अगर एक इंजीनियरिंग करके लड़का, 1 लाख इनटेक है बच्चों के निकलने का, लेकिन अगर एक इंजीनियरिंग के लड़के को तो उसको पूना, हैदराबाद, बेंगलोर जाना पड़ा, कोई ऐसी जेड नहीं बना। आज जो विकास दर है वो खत्म हो गई, पार्कों स्मारकों तक चीज़ें हो गई हैं, अपनी अपनी पार्टियों के चीज़ों को महिमा मंडित करने का हो रहा है, और कहीं ना कहीं विकास नैपथ्य में चला गया है। नौजवानों के रोजगार का प्रश्न एकदम गौड़ हो गया है, जो ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि केवल कॉलोनाइजर्स, बिल्डर्स के लिए हो रहा है। लेकिन पाल साहब, बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार 22 साल बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बदल गई हैं, या आप दावा करते हैं कौन सा आप काम किए हैं जिसके भरोसे आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का वोटर इस बार कांग्रेस के पक्ष में मत देगा? आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया। 22 वर्ष का कार्यकाल बहुत लंबा होता है और 22 साल में उन्होंने 3 बार समाजवादी पार्टी को सत्ता में देखा, 4 बार मायावती जी जो आज भी सत्ता में उनको देखा, 3 बार भारतीय जनता पार्टी को देखा। अब उन्हें तुलना करने का अवसर मिल गया कि कांग्रेस की सरकार भी थी इस प्रदेश में और इन सारी पार्टियां जो कहती थी कि अगर हम आएंगे तो हर हाथ को काम, हर खेत को पानी या घर घर में रोशनी, अब लोगों को लगता है गांव में बिजली मिल नहीं रही है, केंद्र की योजनाओं का पैसा जिस तरीके से, चाहे नरेगा हो उसका बंदरबांट हो रहा है, NRHM हो जिसको लेकर के लखनऊ में 2-2 CMOs की हत्याएं हुई या जिस तरीके से उसमें, तो आज उन योजनाओं में एक नेक्सस बन गया है, चाहे वो गैंग्स का और पॉलिटिशियंस का जो बैठे हुए सत्ता में लोग हैं और अधिकारियों का, तो उससे अब लोगों को लगता है कि कांग्रेस एक बड़ी बेहतर थी। और मैं बात केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 2012 का इलेक्शन होगा तो मैं इसमें एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ,
वो 2009 में भी जनता को सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कहीं ना कहीं निराशा हुई। तभी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के भी चुनाव में जो कांग्रेस नंबर एक पार्टी होकर के आई और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 22 लोकसभा के सदस्य मिले, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ कि कहीं भी नहीं दिख रहा था, अंडर करंट था, जनता को या आप जैसे मतलब पत्रकारों को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा में कांग्रेस पार्टी दहाई भी पार कर पाएगी। लोग समझते थे शायद 2-4 सीटें आ जाएंगी, हम 22 सीटों पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। तो उस आधार पर जनता प्रजातंत्र में क्या सोचती है कि वो शायद बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक और पंडित भी उनकी भविष्यवाणियां फेल हो गई, सारे सर्वे फेल हो गए। पाल साहब, एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी पार्टी में इतनी ज्यादा गुटबाजी है, हर जिले में कमोबेश यही नौबत है, आपको लगता है गुटबाजी से नुकसान नहीं होगा आपको? ये इसको जिसको आप गुटबाजी कहते हैं वो हमारी पार्टी की इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। और किसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या जिस तरह से मायावती जी, मुलायम सिंह जी की है, मतलब वन मैन शो, तो वो पार्टी है या गिरोह की तरह से काम कर रही है। और जब चाहे, जब तक वो खुश है किसी को है, नहीं तो जिस समय चाहे एक क्षण में पार्टी के मिनिस्टर को कहीं निकाल दें, कहीं कुछ हो, कहीं बोलने की आज़ादी नहीं है, किस तरह की उनके यहाँ घुटन है। कांग्रेस पार्टी में कम से कम ये जिसको कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोगों को अपनी बात कहने का अवसर है और लोगों के उस पर फिर हमारा नेतृत्व फैसला लेता है और हमारी पार्टी चलती है। आज जो पिछले 110 सालों से कांग्रेस पार्टी आज भी प्रासंगिक बनी हुई है देश में, आज भी हमारी एक दर्जन से ज़्यादा राज्यों में हमारी सरकारें हैं, हमारे मुख्यमंत्री केंद्र में भी हम जो कांग्रेस UPA 1, कांग्रेस UPA 2 आई है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी की है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की है, लोगों को, कार्यकर्ताओं को काम करने की आज़ादी की है। चुनाव पूर्व किसी पार्टी से गठजोड़ की भी कोई संभावना देखते हैं आप? नहीं, आपने देखा कि हमारी पार्टी में जब पिछले दिनों बैठक हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, तो सभी की राय थी कि हम इसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी। अगर कहीं किसी छोटी पार्टियों से या कहीं किसी लेवल पे, स्थानीय स्तर पे कोई गठबंधन अगर करना है तो वो हम लोगों ने राहुल जी पे छोड़ा था और हमने कांग्रेस के नेतृत्व पे छोड़ा था कि वो कर लें, अन्यथा तो इस बार हम जिस तरह से लोकसभा में हमारी परफॉर्मेंस हुई है उस आधार पर हम कह सकते हैं आकाश जी कि हम उत्तर प्रदेश में इस बार जनता को जो पिछले 22 वर्षों में चाहे वो कुशासन हो, चाहे करप्शन हो, चाहे माल प्रैक्टिसेज हो, चाहे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स हो, चाहे पॉलिटिकलाइज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी हो, उन सब चीज़ों से लोगों को छुटकारा दिला करके एक सुशासन स्थापित करने का मकसद है, इसलिए हम निश्चित तौर से सत्ता में आने की हम लड़ाई। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल जी से बातचीत जारी रहेगी। The buzz beyond all the biz in Amchi, Mumbai. The transforming face of Singara, Chennai. The changing profile of the city of joy, Kolkata. Keep track of the latest developments in these cities on MetroScan, Monday to Friday, 6:30 p.m. only on TD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात में। आज हमारे विशेष मेहमान हैं लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल जी। पाल साहब, अब थोड़ा सा लोकपाल और करप्शन के इश्यू पर बात करेंगे। क्या कारण रहा कि 40 साल से देश में लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया, इस बीच लंबे समय तक केंद्र में आपकी सरकार रही? ये ऐसा है कि लोकपाल विधेयक हमने पहले प्रयास किया। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 2002 में लोकपाल विधेयक ले आए जिसमें हमने प्रधानमंत्री को भी रखा, लेकिन 2004 तक उनकी सरकार थी, 2 साल में उन्होंने अगर पास करने का प्रयास किया होता। लेकिन आज हम प्रजातंत्र में जनभावनाओं का आदर करते हैं। आपने देखा कि अगर पिछले दिनों जब अन्ना हजारे जी जंतर मंतर पे 5 अप्रैल को बैठे तो सोनिया जी ने पहल किया, प्रधानमंत्री ने किया और एक GOM के साथ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिनका काम है कोई कानून बनाना, विधेयक बनाना, या वो उस GOM के साथ पहली बार हमने सिविल सोसाइटी के भी 5 लोगों का प्रतिनिधित्व दिया और उस कानून बनाने में उनको हिस्सेदार बनाया और आज वो स्टैंडिंग कमेटी के सामने विचाराधीन है। लेकिन फिर अन्ना हजारे जी ने जिस तरीके से किया, तो आज ये लोकपाल विधेयक को ही लेकर के नहीं है, देश में जो भ्रष्टाचार है
वो कहीं ना कहीं आम जनता को पीड़ित और प्रभावित कर रही, जिसकी जनभावनाएं प्रतिबिंबित हो रही। अगर कोई बच्चा पैदा होता उसकी बर्थ सर्टिफिकेट नगर पालिका में कोई बनवाने जा रहा है वहाँ उसे पैसा देना हो, अगर कोई गरीब अपना राशन कार्ड रिक्शा वाला बनवाने जा रहा है तो DSO ऑफिस का बाबू पैसा ले रहा है, अगर कहीं कोई विधवा या वृद्धा अपने पेंशन के लिए लेखपाल के पास जा रहा है तो वो लेखपाल उससे पैसा मांग रहा है, अगर थाने के कोई एग्रीव्ड आदमी अपना पीड़ित आदमी गया कि साहब हमारे ज़मीन को कोई कब्जा कर रहा तो भी सिपाही दरोगा जाने के लिए पैसा ले रहा है। तो आज बेसिकली 80% लोग जो देश के स्थानीय स्तर पर निचले स्तर पर जो जिस तरह का करप्शन हो रहा है वो करप्शन से लोग पीड़ित हैं। इसलिए आज लोगों को एक उम्मीद की किरण है कि भाई भ्रष्टाचार बिल्कुल समूल नष्ट होना चाहिए। रही बात उच्च सार्वजनिक जीवन में, ये मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस में पहली बार मनमोहन सिंह जी ने आज जो UN कमीशन अगेंस्ट करप्शन है उस पर हमने साइन किया ट्रीटी, और आज हम 193 में आज भी हम पार्लियामेंट में हम उस पर जन लोकपाल विधेयक पर भी चर्चा चाहते हैं, क्योंकि हमने तो जो बातें हैं हमने तो सहमति कर ली, हमारे यहाँ कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर भी उस लोकपाल विधेयक में आ सकते हैं जो मांग इनकी थी। लेकिन अब अगर तीन बातों पे जो असहमति है, वो एक लोकायुक्त की नियुक्ति की, दूसरा जो एक सिविल या जिसको चार्टर कहते हैं कि हर ऑफिस में एक सिविल चार्टर हो, नागरिक चार्टर हो कि कितना काम कितने समय में हो जाएगा, तीसरा लोअर ब्यूरोक्रेसी हो, ये तीनों राज्य का विषय है। और कल अगर कोई कानून हम बनाने लगते हैं तो राज्य कहती है कि लोकायुक्त की नियुक्ति का करने का अधिकार हमारा है, या हमारे जो बाबू हैं कर्मचारी हैं इनको हम उस परिधि में रखें लोकपाल के कि नहीं हो, ये संघीय ढांचे पे है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो बिंदु केंद्र से थी उस पर सब पे आज सहमति कर दिया, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हमारी सरकार कांग्रेस UPA कृतसंकल्प है और प्रधानमंत्री ने कठोर कार्रवाई भी किया। बड़ा सवाल यह है आखिरकार जनता को सड़कों पर उतरना क्यों पड़ा? अगर आप लोगों ने सही समय पर कदम उठाए होते भ्रष्टाचार से निपटने के लिए तो शायद यह नौबत नहीं आती। देखिए, अगर जंतर मंतर पे एक अनशन हुआ अन्ना हजारे जी का, उसको लेकर के हमने कहा कि हम मानसून सत्र में ही बिल को लाएंगे। मानसून सत्र के पहले एक महीने उनके साथ हमने बैठकें की और हम बिल भी लाए, हमने वायदा खिलाफी नहीं किया। अब मानसून सत्र में जब बिल आ गया और उस लोकपाल विधेयक को आप देखिए, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा कि हम एक कठोर और प्रभावशाली बिल लाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने फिर पूर्ण योजना आयोग की बैठक के बाद भी कहा कि हम आई विल ब्रिंग ए वेरी इफेक्टिव एंड स्ट्रांग लोकपाल बिल। तो अब स्वाभाविक है अगर इसके बाद भी अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठे तो प्रजातंत्र में ये अधिकार भी किसने दिया, RTI का अधिकार किसने दिया? आप संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति के सदस्य भी हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है? देश की जितनी विभाग हैं उन विभाग को जो सरकार पार्लियामेंट से बजट पारित करके देती है तो उस बजट को, ऐसा तो नहीं ओवरहेड एक्सपेंडिचर हुआ या ओवर एक्सपेंडिचर हो गया या जिस हेड के लिए पैसा था उसको दूसरे हेड में डाइवर्ट कर दिया गया बिना अनुमति के, तो एक तरह से जो वित्तीय अनियमितताओं पर प्रभावशाली अंकुश लगाने का काम करने वाली एक कमेटी है। और इस कमेटी का जो चेयरमैन होता है विपक्ष का होता है, वो इसलिए कि अगर सरकार के अधीन विभाग हैं तो उस विभाग में अगर CAG की जो रिपोर्ट आती है, वो CAG की रिपोर्ट जब पार्लियामेंट में प्रस्तुत होती है तो वो पार्लियामेंट की स्पीकर से उसको PAC को भेज देती है कि इस पर फर्दर कि किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, कितना उस पर अनियमितताएँ हुई हैं, सबको समन करके CAG के साथ अधिकारियों को, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जगदम्बिका पाल जी से बातचीत जारी रहेगी। Reports from the capitals of four states, Hyderabad, Bangalore, Guwahati and Bhubaneswar. News, views and analysis. State Scan, Monday to Friday, 10:30 AM, only on DD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एक मुलाकात में। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य जगदम्बिका पाल जी से। पाल साहब, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्यों समूल विकास नहीं हो पा रहा है? उसके दो तीन कारण हैं। एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आबादी है उस आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है पूर्वी उत्तर प्रदेश का। दूसरी तरफ
पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भौगोलिक दृष्टि है वहाँ बाढ़ एक नियत बन गई है, क्योंकि नेपाल के फुट हिल्स पे है, जितना भी देवरिया से लेकर बिटिया से लेकर गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थगढ़, बस्ती, बहराइच, खीरी, लखीमपुर, और आप चले जाइए उत्तराखंड तक, तो नेपाल से थोड़ा भी पानी जैसे आता जलकुंडी का, करनाली का, और वहाँ पे पानी छोड़ा जाता तो उस बाढ़ हो जाती है, तो वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ है। तो ये प्रमुख कारण, और कुछ इस तरह की जैसे इंसेफ्लाइटिस है, इस तरह की बीमारियाँ हैं, तो आज इस नाते पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। पिछले 7 साल से केंद्र सरकार में आपकी सरकार है, आप क्या बता सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कौन कौन से बड़े काम आपकी सरकार ने किए हैं? हमने सबसे बड़ा काम किया जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री थी जो चल रही थी, और जो फिर फर्टिलाइजर फैक्ट्री बंद हो गई, उस फर्टिलाइजर फैक्ट्री को पुनः चलाने के लिए हमने एक फैसला लिया है, और कैबिनेट डिसीजन हो गया कि गोरखपुर स्थित उस फर्टिलाइजर फैक्ट्री को चलाई जाएगी। अब जहाँ तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिले हैं, जो सबसे बड़ी वहाँ इकोनॉमी का जो आधार है लोगों की, वो कैश क्रॉप गन्ना है। और आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकारें थी जब हमारी उत्तर प्रदेश में, तो उस समय सभी चीनी मिलें चल रही थी। अगर कोई चीनी मिल प्राइवेट भी बंद हो जाती थी तो हम उसको शुगर कॉरपोरेशन फेडरेशन में लेकर के अधिग्रहित करके हम उसको चलाते थे, सरकार चलाती थी। लेकिन आज विडंबना है कि उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन की अधिकांश चीनी मिलें बंद हो गई, उत्तर प्रदेश शुगर फेडरेशन जो नई चीनी मिलों को स्थापित किया था उसकी अधिकांश बंद हो रही, और उन चीनी मिलों को कौड़ियों के भाव पे निजी लोगों को, प्राइवेट लोगों को सरकार अपने फायदे में बेचने का काम कर रही है। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास वहाँ की जो नकदी फसल गन्ना है उसी की आमदनी से हो सकता है। तो आज जो तमाम राज्य सरकार की चीनी मिलें बंद पड़ी हैं कॉरपोरेशन फेडरेशन की, उसको चलाने की आवश्यकता है, न कि बेचने की। जापानी इंसेफ्लाइटिस से आप देख रहे हैं कि हर साल सैकड़ों बच्चों की मौत होती है, हजारों की तादाद में बीमार होते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी समस्या है, इसका प्रभावी निदान आज तक नहीं खोजा जा सका है। एक तो देखिए, अभी तक जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है या एक्यूट जो सिंड्रोम है जापानी इंसेफ्लाइटिस का, एक तो अभी तक उसका कारण, अभी तक इस उपचार मतलब बीमारी का भी कोई दवा नहीं याद हो पाया है पूरी दुनिया में। अभी ये केवल प्रिवेंटिव जो वैक्सीन लगाई जाती है कि अगर होने के पहले एक इम्यूनाइजेशन हो और वैक्सीन लगाई जाए तो रोका जा सकता है। लेकिन आपने देखा पिछले साल केंद्र सरकार ने 15 लाख वैक्सीन के वायल भेजे और राज्य सरकार ने उसका टीकाकरण अभियान नहीं चलाया, जिसके कारण उसका कुप्रभाव क्या पड़ा कि बड़े पैमाने पे बच्चों को इंसेफ्लाइटिस हुआ। अकेले गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से बड़ी तादाद में बच्चे मरे, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में मरे, तो आज मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को जो केंद्र द्वारा टीका भेजा जा रहा है उसका टीकाकरण एक पूरा अभियान चला करके किया जाए, और दूसरी तरफ इसका इजाद भी करना चाहिए कि इस बीमारी का क्यों, क्योंकि अगर बच भी जाते हैं लोग तो फिर हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। तो निश्चित तौर से एक बड़ी ये गंभीर बात है, केंद्र सरकार इसके लिए पैसा दे रही है, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को पैसा दिया, वार्ड दिया है इंसेफ्लाइटिस वार्ड के लिए, और हम लोगों का लगातार प्रयास है कि इसकी वैक्सीन के लिए कोई उधरी कोई एक इंडस्ट्री लगे, जिससे कि ये एक जो बहुत गंभीर बीमारी है इसका इलाज हो सके। पाल साहब, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? देखिए, अब जीवन का लक्ष्य तो एकदम अस्पष्ट, एक तरह से दीवारों पे इबारत की तरह से लिखी हुई है कि जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष थे वो हमने सार्वजनिक जीवन में दिया है। तो अब कुछ अपने सार्वजनिक जीवन की इस संध्या पे कुछ इस तरह से सार्वजनिक जीवन में काम करें कि जिससे कि न केवल हमारे क्षेत्र को बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को या प्रदेश देश को, समाज को लाभ हो सके। और हमारी ख्वाहिश है कि जीवन के अंतिम सांस तक सार्वजनिक जीवन में रह करके जो खेत खलिहान में बैठी हुई गरीब जनता है उस दरिद्र नारायण के आंसू को पोंछने का काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद पाल साहब इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे जगदम्बिका पाल जी, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बात की। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक दूरदर्शन की हमारी इस पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।